हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीक में स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और अब यहाँ पर हो रहा है ब्रेकआउट। यदि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा तो आपका अगला टारगेट क्या हो सकता है, इस पर हम करने वाले हैं चर्चा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है ये वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप देखेंगे एक लंबे ऊपर से गिरता हुआ स्टॉक नीचे आया और गिरावट कहाँ तक हुई, तो नीचे आप यहाँ पर देखेंगे 206 रुपये पर स्टॉक ने सपोर्ट जनरेट किया है। बहुत ऊपर से स्टॉक यहां पर गिरता हुआ रहा, आप यहां पर देख सकते हैं क्लियरली। ये देखिएगा फिर से स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और अब हम देखते हैं स्टॉक ऊपर जाता है लगभग लगभग 325 के आसपास, फिर गिरावट, फिर 325 के ऊपर जाने की स्टॉक ने कोशिश करी, फिर गिरावट, फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट की कोशिश हुई लेकिन फिर से यहाँ पर होती है गिरावट। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टॉक यहाँ पर एक स्लो मूव करते हुए आगे बढ़ा। ये देखिए फिर से अपने पुरानी रेंज में स्टॉक लौटता है और आता है सीधे कहाँ पर 206 रुपये के आसपास। यहाँ से स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चला और 270 रुपये के आसपास स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर कर रहा है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के साथ ही स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ गया और अब हम देख रहे हैं एक हफ्ते में स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जा करके फिर से ब्रेकआउट की कगार पे आ चुका है। किस ब्रेकआउट की, यहाँ पर इतने सारे रेजिस्टेंस, ये देखिए यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस। अब यदि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है, ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आपको अच्छे टारगेट दिखाई देंगे। यदि 325 के ऊपर आप बाइंग कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा नीचे की तरफ आपको नीचे 310 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना होगा। लगभग 15 पॉइंट की रिस्क रहेगी लेकिन ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो आपको लगभग लगभग 375 के आसपास देखने को मिल सकता है यदि इस वाले ब्रेकआउट ने सस्टेन किया उस केस में।